गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुबह मेरे साथ। और आज है आई थिंक थर्सडे, थर्सडे ही होगा या पता ही नहीं चलता मुझे दिनों का, थर्सडे ही है शायद। और आज मैं करने जा रही हूँ बहुत सारे काम और साथ साथ में करती रहूँगी व्लॉगिंग भी। तो सबसे पहले, ये मेरा कोई नया लुक नहीं है, मैं नहा के आई हूँ अभी अभी और अब ठंड आ गई है, तो ये हाफ स्लीव्स के जो गाउन होते हैं, बहुत ठंड लग रही है। बट मुझे अलमारी में कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरी अलमारी की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो एक टास्क तो मेरे पास ये है कि मुझे अपनी तीन अलमारियाँ ठीक करनी है, एक पार्ट की, एक मेरी और एक एक्स्ट्रा जो अलमारी होती है वो। और सबसे पहले मैं आज करूँगी, मिंत्रा के दो कुर्तीज़ मंगाए हैं मैंने, उन्हें शूट। हालांकि वो कुर्ती जितनी मुझे स्क्रीन पे अच्छी लग रही थी, उतनी मुझे यहाँ नहीं अच्छी लगी। सोच रही थी रिटर्न कर दूँ, पर रिटर्न करने से पहले देखती हूँ उसके हॉल करके और थोड़ा दिमाग लगाती हूँ। अगर टेलर के पास जाके कुछ हो सकता है तो वो भी करेंगे। और उसके बाद जाना है मुझे पार्थ के स्कूल, पार्थ के स्कूल में जाके उसकी ड्रेसेस लेनी है सर्दी वाली। एंड अभी मुझे नाश्ता भी करना है, उससे पहले मैं जाऊँगी दूध लेने। और पूजा कर ली है मैंने, तो सिंपल सा मंदिर है मेरा, छोटा सा मंदिर है। और बस, तो बस पूजा कर ली है मैंने नहा धो के अपना, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, नाश्ता करने। उसके बाद मैं जाऊँगी फटाफट से दूध लेने मार्केट, मार्केट से आके रेडी होंगी और शूट डन करूँगी। तब तक मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय गाइस, तो मैं दूध लेके आ गई हूँ, नाश्ता कर लिया है और एक सिचुएशन आ गई है मेरे पास, मुझे याद ही नहीं था ऐसा कुछ है। एक्चुअली हम सब गए थे मानेसर अभी, तो शालू और मेरा बैग सेम था, तो मेरा जितना भी मेकअप का सामान था सब शालू के घर में चला गया है और मैं ला भी नहीं सकती इतनी जल्दी, इतना सारा मेकअप खरीदना दोबारा से पॉसिबल नहीं है। तो अब मेकअप की सिचुएशन ये है कि मैंने एक पॉन्ड्स का बीबी ख़रीदा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, तो आधा काम तो मेरा यही कर देता है। एक बिंदी का पत्ता और ये एक लिपस्टिक लेके आई हूँ मैं, ऐसे ही कोई लोकल ब्रांड है आई थिंक, पता नहीं क्या है, क्योंकि ये भी 100 रुपये की है, तो काम चलानी थी मुझे इसलिए। तो ये तीन चीज़ है मेरे पास और लाइनर तक नहीं है और काजल भी नहीं है। इवन ये जो मेरा लैक्मे वाला काजल था, ये पूरा ख़त्म हो चुका है, देख रहे होंगे आप, पूरा ख़त्म है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है मैं शूट के लिए कैसे रेडी हूँ। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मेकअप की, बट अब जो है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने मॉइस्चराइज़र पहले ही लगा लिया था, नहाने के साथ ही लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत स्किन ड्राई हो जाती है। फिर मुझे ज़्यादा जो है बस काजल की लगती है, अगर मैं काजल ना लगाऊं तो मेरी आंखें बहुत सूनी सूनी लगती हैं, तो मैं काजल के लिए ज़्यादा परेशान हूँ, बाकी सब सही है। चलो जो है उसी से मेकअप करते हैं और रेडी होके मिलते हैं आपसे। सो गाइज, मैंने कर लिया अपना मेकअप, जितना भी सामान था उससे, और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये रेड लिपस्टिक मिल गई, क्योंकि ये वाली जो मैं लेके आई थी इतनी घटिया है जिसकी कोई हद नहीं है, वो मेरे होंठ पे लग ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा मैट है कि वो तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, हेयर स्टाइल लूँगी और काजल भी लगा लिया मैंने जैसे तैसे करके, जितना पहुँच सकती थी सब कर लिया। तो ऑलमोस्ट मुझे तो मेरा मेकअप वैसे ही लग रहा है जैसे मैं करती हूँ, तो चला लिया मैंने काम। अब मैं थोड़ा सा आज बाल स्टाइल वाला बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल आता नहीं है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हेयर स्टाइल बनाना, लेकिन मुझे आता नहीं है, वो अलग बात है। अगर मुझे आए ना तो मैं रोज़ बनाऊँ अपना हेयर स्टाइल, ऐसे उसमें देख देख के ना, यूट्यूब में देख देख के थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. फिर ट्राई करती हूँ एक बार. From up here, the world seems small. We can sit together. आधा घंटा लगने के बाद मैं अपने हेयर स्टाइल नहीं बना पाई। ये देखो कैसे कैसे बाल खड़े हो गए। आई एम सॉरी, ये मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं,
और ये स्मूदनिंग के बाद नहीं, मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा सिल्की थे, पतले बाल हैं ना मेरे, इसलिए बहुत ज़्यादा सिल्की है और ये कुछ भी नहीं बनता इनमें। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। फाइनली मैंने बना ही लिया, मैंने सोचा छोड़ूंगी नहीं आज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा ब्लॉग छुट्टियाँ बनाने में ख़त्म हो जाए, पर मैं बना के रहूँगी। और मैंने बना लिया। और मौसम बहुत, जब भी मैं शूट करने लगती हूँ ना, मौसम, हवाई जहाज़, लोग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, फिर मन करता है कि छोड़ दूँ, पर नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं। और अनूप जा चुके हैं मुंबई। ए देवा देवा देवा। मुझे समझ नहीं आ रहा किसको चाहिए ज्यादा मेकअप। हम इंडियन लोग जुगाड़ में फेमस होते हैं, जुगाड़ जुगाड़ कोई हमसे सीखे। बताओ रोज की मेकअप में और आज के मेकअप में कुछ अलग लग रहा है? नहीं ना, कमेंट करके बताना, वही तो मेकअप है। सो गाइस, ये वाले वो दो सूट हैं जिनका हॉल में करने जा रही हूँ। और ये है इसका क्रॉप पैंट, ये इसका दुपट्टा, और एक है ये वाला, ये देखिए। पर अभी मैं रेडी हो रही हूँ शूट के लिए, लेट्स गो। अकेले में पागल जैसे हंसते रहो, गलती करते रहो और हंसते रहो। कभी बिहाइंड द सीन डालूंगी, ये मैं इतनी गलती करती हूँ ऐसे करती रहती हूँ, ऊपर से हवाई जहाज, ऊपर से कवाई वाला, सब अपने काम कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। चलो फिर से रीटेक, कबाड़ी वाले भैया को जाने देते हैं। और यहाँ मैं खिंचा रही हूँ थंबनेल। सो गाइज, एक कुर्ती पहन के मैंने शूट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ दूसरी कुर्ती बदलने। 10 बज गए हैं और 11 बजे से पहले पहले मुझे शूट भी ख़त्म करना है और ये व्लॉगिंग भी साथ साथ में चला रही हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा वीडियो आप लोग के लिए बन सके। अब मैं पहन के आती हूँ ये वाली कुर्ती और छत में जाकर फटाफट से शूट करती हूँ। फिर मुझे पार्ट के स्कूल भी जाना है। रेडी, सेकेंड ड्रेस पहन ली है और अब चल रहे हैं छत पे। चलो। सो गाइज, छत में आ गई है बारिश, फिर भी शूट तो करना पड़ेगा। चलो ओके। चलो 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 चलो, भागो भागो, बारिश आ गई, कैमरे में भी घुस गया। वो नीली थैली दिख रही है आपको, वो कोई कूड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ सामान बांध के रखा है, भेजना है अभी मुझे इसलिए। एंड मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैंने एक चालाकी करी है। मैंने पता ही क्या किया है, एक एक दिन की व्लॉगिंग में 3 वो निकाल लिए हैं वीडियोस। एंड यार, इसमें भी मेहनत लग रही है। मैंने क्या किया है, एक कुर्ती हॉल अभी शूट की है, ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, और एक स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर भी बना डाली है वीडियो, तो वो भी बीच में डाल दूंगी। और सुनो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो ड्रेस पहचान जाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट मत करना दीदी आपने फिर वही ड्रेस पहन लिया, क्योंकि मैं क्या करूँ यार, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है रेडी होने का इसीलिए। और देखो ये जो कुर्ती है ना, एरोप्लेन को जाने दूँ या बोलती रहूँ, कमेंट करना मुझे, ये मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को इरीटेशन होगा। एंड अब बज गए हैं 10:30, मैंने ऑलमोस्ट शूट ख़त्म कर लिया है। और मैं बताना चाहूँगी कि लहंगा मैंने किसे दिया है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे थे हमें दे दो, हमें दे दो, किसी ने तो वजह भी लिखी थी कि क्यों दे दो, तो यार आप सब लोग मेरे लिए बराबर हो। और देखो, अगर मैं किसी एक को दूंगी और दूसरे को नहीं दूंगी तो नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं भी क्या करूँगी, इसलिए मैं बिल्कुल दूंगी आप लोगों को। बट लहंगा देने का मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं किसे दूंगी, तो बताऊँ किसको मिला है लहंगा। वैसे कई लोगों ने तो इसको कहीं रखते हैं ना, तो लहंगा तो मैंने किसी एक को दे दिया है। और किसे दिया है, वो है हमारी प्रियंका प्रियादीप। तो ये लहंगा देने का मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, ये मैंने तब डिसाइड कर लिया था जब एक बार उनका मेल मेरे पास आया था। एंड मैं कहना चाहूँगी, हैट्स ऑफ है प्रियंका आपको, कोई आम लड़की नहीं है प्रियंका हमारी, वो अपनी 2 बहनों की शादी करने जा रही हैं और माँ बन गई हैं अपनी 2 बहनों की। बहुत ज़्यादा एज नहीं है उनकी, मेरे से आई थिंक 1 या 2 साल बड़ी हैं वो, फिर भी मुझे माँ कहती हैं प्यार से और मुझे बहुत प्यार करती हैं, अक्सर मुझे मेल करती हैं। एंड आई एम सो सॉरी प्रिया, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती, प्रियंका आपको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बेबी, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं होता है।
तो जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा था कि वो अपनी सिस्टर्स की शादी करने जा रही हैं, तो मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना अपनी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट उनको भेजूं, प्रियंका के लिए भेजूं जो दूसरों के लिए इतना सोचता है, मैं उसके लिए कुछ करूं तो उनको कितनी खुशी होगी। होता है अक्सर यही है कि जब हम किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं तो अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो यही प्रियंका के संग होने वाला है कि वो अपनी बहनों की शादी में इतनी खोने वाली है कि अपने लिए ध्यान भी नहीं देगी। इसीलिए मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि जब वो मुझे माँ कहती हैं तो एक माँ के नाते मैं छोटा सा प्यार अपना भेजूँ। तो वो लहंगा मैंने मेहरून वाला था ना, वो प्रियंका के लिए रेडी करके रखा है, भेजा नहीं अभी शायद, और भेज भी चुकी हूँ, पता नहीं ये व्लॉगिंग कब आएगी। तो अनूप चले गए हैं और मुझे पोस्ट ऑफिस वगैरह जाना पड़ेगा, और कैसा है इसका प्रोसीजर, इतना हैवी है, वो कैसे पैक करेंगे क्या करेंगे मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो मैं जाऊंगी उसको पता करके आऊंगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रमोद या शालू कोई आएगा तो अब उनसे पूछ के, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है इस सब चीज़ों की, तो उनके हाथ से करवा दूंगी, और जैसे भी होगा मतलब जल्दी से जल्दी भिजवा दूंगी। तो प्रियंका और प्रियदीप को गया है बनेगा, और रीज़न यही है, मैंने आपको बता दिया, बाकी कोई पार्शियलिटी नहीं की है। देखिए किसी ने लिखा था मेरी शादी होने वाली है, अंकिता आपने लिखा था मुझे आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। बेबी तो आपकी शादी होने वाली है, आपको तो ऑलरेडी इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, तो आपको इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत जिसको है, अगर उसको वो चीज़ पहुँचे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना, और अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा हो उसको आप वो चीज़ देंगे तो इतना वैल्यू नहीं करती है चीज़ों को। तो मैं जानती हूँ मैं कुछ भी भेजूंगी आप लोग के लिए प्यारा होगा, आप लोग बहुत प्यार से संभाल के रखेंगे, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लहंगा डिजर्व करती है हमारी प्रियंका। और अगर आप सहमत है मेरी बात से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और एक बात, और पूनम सोनी से मैं इतनी नाराज़ हूँ, आपको पता है पूनम सोनी को मैंने विनर बनाया, अभी तक उन्होंने मुझे अपना एड्रेस नहीं दिया है। तो पूनम सोनी इट्स ओके, अगर आपको गिफ्ट नहीं लेना है, मैं तो थक गई इतने दिन से, लोग क्या सोचेंगे कि सीमा ने दिखाया भी नहीं पूनम को क्या गिफ्ट भेजा है। तो पूनम अगर आपको गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप एड्रेस नहीं देना चाहते तो प्लीज आप अलाउ करो कि आपके जगह मैं वो गिफ्ट किसी और को दे देती हूँ। इतने सारे लोग वहाँ पे थे, आप खुद चूज करके बता दो कि मैं वो गिफ्ट किसको दूँ। अगर आप नहीं ले रहे हो तो किसी और को मैं भेज देती हूँ कि कम से कम पेंडिंग तो नहीं रहेगा, है ना। तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। और चलो फिर आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बहुत सारा काम है यार, और बहुत 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 प्यार करती हूँ आप सबसे, इसीलिए जैसी होती हूँ वैसे उठ के वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो बनी रहना मेरे साथ, और जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो और ना लगी हो तो भी कर दो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो ना करो, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि हम मिलते रहे, ठीक है। और सुनो, बिना लाइक करे मत जाना, सच्ची बता रही हूँ। तो माता रानी, चल लव यू ऑल, मिलते हैं कल, बाय।